आज मैं आपको सूजी का इडली बना के दिखा रही हूँ। ये सूजी मैंने आप पहले ही भिगो के रखी थी, क्योंकि मुझे प्लान नहीं था कि इसका वीडियो शूट करूँ। मेरी बहन ने बोला क्या नहीं ये वीडियो देने के लिए कि वो भी ट्राई करेगी, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मैं सूजी 200 ग्राम सूजी लिया हूँ। इसमें मैं आधा चम्मच बेकिंग सोडा दिया, और सबसे आप इसमें सॉल्ट भी दे देना आपके टेस्ट के हिसाब से। और इसमें जो मैंने पानी मिलाया वो आप ऐसे थिकनेस में, ये जो आप बैटर बनाओगे इसका थिकनेस ऐसे आएगा, तो पानी ज्यादा नहीं चाहिए और ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा ये। और इसको आधा घंटा तक भिगो के रखी थी, और अब मैं बनाऊंगी। तो इसमें एक इनो पाउडर का पैकेट दे दूंगी। इसमें जब आप बनाओगे तभी इसमें इनो पाउडर आप डालना। ये देखिए ये कैसे फूल रहा है, इसलिए आप जब भी बनाओगे उस टाइम में इनो पाउडर ऐड करना है, क्योंकि ये जो फ्लापीनेस है ये नहीं तो बैठ जाएगा। ये आलू का सब्जी बनाया, इसको स्टफ्ड इडली मैं बना रही हूँ। इसीलिए ये जो आलू का मैंने पहले आलू को बॉयल किया, फिर इसका जो सब्जी मैंने बनाया इसमें पानी नहीं दिया था। और आप अगर पानी देना चाहते हो तो ये सूखा बनाना, क्योंकि ये स्टफ्ड होगा, क्योंकि इडली का जो बैटर है ये गीला है, इसीलिए सब्जी को सूखा ही रहना होगा। तो आइए देखते हैं मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। माइक्रोवेव के बोल में थोड़ा ये पानी देके फिर इसको बिठाना है। थोड़ा ये इडली बर्तन है, इसमें आप ऑयल ब्रश कर लेना है। हर बार ही आप ऑयल ब्रश कर लेंगे तो इडली आसानी से उठ जाएगा। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी का जो बैटर है वो डालूंगी। और ये जो सब्जी है ये पानी मत डालिएगा, मैंने आलू को बॉईल करके फिर बनाई थी। अगर आप आलू को बॉईल करके नहीं बनाते हो तो पूरा जो सब्जी का जो पानी है वो सूखा लेंगे, सूखा लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद और एक बार ये जो बैटर है वो दे देना है। बाहर से पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टफ्ड है। और इसको मैंने अभी कवर करके माइक्रोवेव में दे दिया। देखिए ये जो माइक्रोवेव का जो सिस्टम है इसमें लिखा है ये हेल्दी कुक बोल के जो ऑप्शन है, इसके 7 नंबर में इडली है। हेल्दी कुक के 7 नंबर में इडली है। तो आप अभी ये हेल्दी कुक में मैं जा रही हूँ, अभी मुझे देना है 7 नंबर। तो ये हेल्दी कुक को ही 7 नंबर तक आना है। ये 7 हो गया, अभी मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए 5 मिनट तक आ रहा है। अगर आपके माइक्रोवेव में हेल्दी कुक का ऑप्शन नहीं है तो आप माइक्रोवेव में जाके फिर 5 मिनट सेट करके आप इडली को बना ले सकते हो। ये देखिए ये मेरा इडली हो गया है। ये देखिए आसानी से उठ गया है।
इसीलिए हर बार ही आप लोग ऑयल ब्रश कर लेना। ये देखिए ये आसानी से उठ गया है और ये बहुत सॉफ्ट है, देखिए ऐसे। जब इसको काट करेंगे ये देखिए इसमें स्टफ्ड आलू दिखाई देगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।